देखने वाले सभी बच्चों को बत्तू रानी की राम राम और मियां गुमसुम का सलाम। अरे मियां गुमसुम, कहाँ गए तुम? पड़े होंगे कहीं गुमसुम। अरे मियां गुमसुम, ओ मियां गुमसुम, ये सूं 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 क्या लगा रखी है? अरे नाक साफ क्यों नहीं कर लेती? हाय हाय, मैं क्यों करूं सुन सुन, मैं तो भली चंगी हूँ। तो ये शोर क्यों मचा रखा था है? लो भला, मैंने शोर मचा रखा था। और नहीं तो क्या? सुन लो, तुम सब भी सुन लो, ये मियां गुमसुम या तो पड़े रहेंगे गुमसुम या छोंक लगाएंगे तो ऐसा कि बस तौबा तौबा। ओफो, बत्तो रानी, बात की खाल निकालना तो कोई तुमसे सीखे। बात की खाल नहीं, बाल की खाल। ए? बाल की खाल? बाल की खाल? अरे बत तो रानी, बाल तो यूं ही इतना पतला होता है, ये देखो अब इसकी भला क्या खाल निकलेगी है? आए, आए, बत्तो रानी, पहले ही बाल कम है मेरे सिर पर, एक और तुड़वा दिया ना। ओहो मियां गुमसुम, बात समझे बिना टुनटुना दिए टुन टुन। बाल की खाल निकालने का मतलब भी समझे या यूं ही? मतलब क्या, बाल की खाल तो होती नहीं। हाँ जनाब, इसका मतलब भी यही हुआ, बिना बात या बिना कारण के मीन मेख निकालना, जैसे तुम निकालते रहते हो बिना कारण नुक्स। बाल की खाल यानी बिना बात का मीन मेख। बत्तो रानी, भला ये मीन मेख क्या बला है? मीन मेख यानी गलतियां निकालना, नुक्ता चीनी करना। अब तुम कहोगे कि नुक्ता चीनी क्या बला है? हाँ सो तो है ही, पर चाय चीनी, दाल चीनी तो सुना था, पर ये नुक्ता चीनी। यही यही जो तुम कर रहे हो ना, बिना बात की बात, यही है बिना कारण के मीन मेख निकालना, या बिना वजह नुक्ता चीनी करना, या बेवजह बात बेबात में टोक टोक कर गलतियां ढूंढना, यानी बाल की खाल निकालना। समझे कि नहीं? देखा देखा बच्चों, बाल की खाल ये निकाल रही है या मैं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने बाल की खाल निकाली तो तुम बात की खाल निकालो। यानी के? यानी इन सुनने वालों को सुनाओ ना कुछ बात, कुछ चीत, कुछ किस्से, कुछ गीत। ओफो, बातें तो तुम्हें ही मुबारक हो बत्तो रानी, तुम्हारी बातें तो कभी खत्म होती नहीं, बस बन जाती है कहानी। अरे हाँ बत्तो रानी, इन्हें कहानी क्यों नहीं सुना डालती? कहानी? किसकी कहानी? न राजा न रानी, न भिष्टी न पानी, न अंधा न कानी, न नई न पुरानी। अरे मियां गुमसुम, ओ मियां गुमसुम, लो इन्हें तो सांप सूंघ गया। बाप रे बाप, सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप कहाँ है? सांप? मियां गुमसुम, सांप सूंघने का ये मतलब नहीं कि सांप आ ही गया। आए? जब सांप आएगा ही नहीं तो मैं उसे सूंघूंगा कैसे? तुम भी मियां गुमसुम बस यूं ही से हो, बाल की खाल तो निकालोगे पर बात नहीं समझोगे। क्या कहा? क्या कहा?
मैं बात नहीं समझूंगा। वाह जी वाह, खूब कही। तुम यूं ही बके जाओ और तुम्हारे कहने से मुझे सांप सूंघ जाए हैं। लो बच्चों, सुन ली ना गुमसुम मियां की जुबान। अब इन्हें सांप सूंघने का मतलब भी समझाओ। बिल्कुल, समझाना ही पड़ेगा। हाँ, अरे मियां गुमसुम, सांप सूंघने का मतलब है डर के मारे अचानक बोलती बंद हो जाना, या डर के मारे एकदम गुमसुम हो जाना। अरे उस दीपू की तरह जिसे जंगल में अचानक भालू दिखाई पड़ा और उसे देखते ही दीपू को सांप सूंघा। एक लड़का था दीपू, बड़ा ही समझदार, धीरज वाला, अक्लमंद। शाम का समय था, दीपू शहर से अपने गांव वापस आ रहा था। दीपू जल्दी जल्दी अपने पांव बढ़ा रहा था। ताकि अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाए। गांव के रास्ते में पड़ता था एक घना जंगल, सुनसान बियाबान, घना जंगल। दीपू मन ही मन डर रहा था, पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी क्या हुआ, जैसे ही दीपू ने अगला कदम बढ़ाया, झाड़ियों के पास कुछ खड़खड़ाया। दीपू ने चौंक कर देखा और देखा तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। झाड़ी के पीछे था भारी भरकम भालू। भालू को देखते ही जैसे दीपू को सांप सूंघ गया, वो डर के मारे घबरा गया। जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया, गुम सुम। ऊपर की सांस ऊपर तो नीचे की सांस नीचे। करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। घबराहट में वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, सिवाय इसके कि भालू उसे मार डालेगा। पर दीपू था धीरज वाला, अक्ल वाला। उसने सोचा कि अगर वो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाए तो भालू उसे मरा हुआ समझकर चला जाएगा। बस ये सोचते ही वो जमीन पर लेट गया। एकदम सांस रोककर भालू दीपू के पास आया। दीपू दीपू मन ही मन घबराया। पर वो न हिला न डुला, बस सांस रोककर पड़ा रहा। भालू दीपू के चारों तरफ घूमा, और फिर दीपू को मरा हुआ जानकर दूसरी तरफ चला गया। दीपू ने धीरे से आंखें खोली और देखा भालू जा रहा है दूसरी ओर। फिर दीप
टिप्पू झटपट उठा और उसने वो दौड़ लगाई कि बस जंगल से बाहर आकर ही उसकी सांस में सांस आई। और उसने सोचा, समझा कि धीरज से और अक्ल से काम लो तो बड़ी मुसीबत भी टल जाती है। क्या समझे मियां गुमसुम? अब समझ गए ना सांप सूंघने का मतलब? डर के मारे सुन्न पड़ जाना या घबराहट के मारे अचानक बोलती बंद हो जाना।